जनपद जालौन के कोंच में इलाहाबाद बैंक मुख्य शाखा प्रबंधक एसके सिंह ने अपना लोन कराने आई महिला के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए बेइज्जती की। मामला यह है कि कैलैया थाना क्षेत्र के ग्राम बरोड़ा कला की महिला ज्योति सविता अपने लोन के लिए मुख्य शाखा पहुंची तो मैनेजर ने उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए सबके सामने बेइज्जती की। इस पर महिला ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरा मामला समझा और तहरीर कोंच कोतवाली पुलिस को दी। इस सूचना पर पत्रकार कवरेज के लिए बैंक पहुंचे तो मैनेजर पत्रकार को देखकर भड़क गए और पत्रकारों के साथ भी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उल्टा सीधा बोलने लगे। इस पर पत्रकार संगठनों में काफी रोष व्याप्त है। उन्होंने इसकी लिखित शिकायत ज्ञापन के माध्यम से कोंच पुलिस क्षेत्र अधिकारी नवीन कुमार नायक को दी। क्षेत्र अधिकारी ने कहा कि इसकी जांच कर शाखा प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जो भी दोषी होगा उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। क्या मामला था, क्या घटना घटी आपके साथ? बैंक का मामला था, पैसे लोन का, इलाहाबाद बैंक का। घटना ये घटी है कि हम अपने पैसों के लिए गए थे, उन्होंने बुलाया था हमें मैनेजर सामने, तो हमने कहा हमारा काम हो गया कि नहीं, बोले तुम्हें पैसों की क्या जरूरत है, तुम तो गलत तरीके से पैसा पैदा कर रही, तुम्हारे पास क्या कमी है, तुम यहाँ रोज कोच में रहती हो जबकि हम अपने गाँव में रहते, कोच में हम कहीं रहते ही नहीं है। उल्टा सीधा बोले बदतमीज, ऐसे ऐसे कहने लगे बदतमीजी दी। हमने कहा ऐसा क्यों कह रहे, हमने 100 नंबर को फोन लगाया तो कहने लगे हमारे भाई कमिश्नर भी हमारा क्या उखाड़ लेंगे, और दुनिया के कहने भारती को ने आपकी शक्ल देख के लोन दे दी होगी, पास कर दी होगी, हम तो नहीं देंगे। मैनेजर साहब हमारे इलाहाबाद बैंक के मुख्य शाखा, क्या नाम है उनका, मैं नहीं यहाँ पता। अभी तक आपको क्या सहायता मिली है पुलिस द्वारा? पुलिस द्वारा भी गए हैंगे वहाँ, उनके पास बातचीत करी, लेकिन उनसे बदतमीजी से पेश है, पुलिस वालों से भी बदतमीजी से पेश है, मीडिया वालों से भी बदतमीजी से पेश है, हम फिर दोबारा थाने आ गए। देखिए महिला के बारे में अभी एक सूचना प्राप्त हुई है आप लोगों के माध्यम से कि उसके साथ वो बैंक में लोन के लिए गई थी, उसके साथ कुछ बदतमीजी हुई है, बैंक मैनेजर द्वारा ये बताया गया है, इसकी हम जांच करवा रहे हैं, जैसा भी होगा उस अनुसार कार्रवाई कराएंगे। और जहां तक मीडिया का प्रश्न है, मीडिया के सभी लोग यहां पे उपस्थित हुए, हमारे सामने उन लोगों ने ज्ञापन दिया, ज्ञापन में उन लोगों ने ये बताया कि जब हम लोग कवरेज करने गए तो हमारे साथ भी बैंक मैनेजर द्वारा कुछ इस तरह की कार्रवाई की गई, तो उसका भी मैंने जाँच कोतवाली को भेज दिया है और अंदर 3 दिवस मैंने आख्या मांगी है कि कार्रवाई करके हमें अवगत कराएं। जहां तक महिला के लोन की बात है तो मैं अपनी तरफ से ये वो करता हूं कि अगर नियमानुसार होगा तत्काल लोन पास करा दिया जाएगा, मेरे तरफ से जो भी होगा कार्रवाई मैं उसकी मदद कराऊंगा। लोन पास करने के बाद महिला अगर सहमत नहीं होती है तो क्या मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा? नहीं, बिल्कुल अगर कार्रवाई जांच में क्लियर होगी तो बिल्कुल इसमें हम पीछे नहीं हटेंगे, मुकदमा पंजीकृत करने में कोई वो हर्ज नहीं है, अगर जांच में आ जाएगा तो मुकदमा तुरंत दर्ज करेंगे।